अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद रईस है। मैं ARB इन्वेस्टमेंट ग्रुप का CEO। फैसल हिल्स 2 का पेमेंट प्लान आ गया था, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ इसकी डिटेल्स शेयर कर दूं कि किसको इसमें इन्वेस्ट करने पे कितने परसेंट प्रॉफिट सालाना मिलेगा, इसको किसमें इन्वेस्ट नहीं, किसको इसमें करना चाहिए, जो इसकी एक रियलिटी है मार्केट की साइड की, वो आप लोगों के साथ डिस्कस हो जाए, ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए कि आप लोगों ने डिसीजंस कैसे लेने हैं और रियल स्टेट में ओरिजिनल प्रॉफिट्स बनाने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं आप उनको टच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये आपके मकसद की चीज़ है या नहीं है। कुछ थोड़ी सी इसके रेट्स के ऊपर डिस्कशन आज मैंने करनी है, तो आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। समझिएगा आप इसको, बड़ा जो है ना, ये थोड़ी सी डीप एनालिसिस है मेरा। इस डीप एनालिसिस को आपने समझना है, उसके बाद आपको खुद क्लियर हो जाएगा कि ये चीज़ आपके लिए है या नहीं है। मार्केटिंग वाले जो भी बोलते रहे, ये खुद जो भी बोलते रहे, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में ये चीज़ डिस्कस कर चुका हूँ कि ये प्रोजेक्ट क्या है, इसके NOC वगैरह का क्या इशू है, ये सब प्रॉब्लम्स जो है ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुके। आज जो चीज़ हम लोगों ने डिस्कस करनी है वो ये है कि आप लोग जो है ना, इसमें 5 मरले की मैं आप लोगों को सारी ब्रीफिंग दूंगा, और 8 मरला, 10 मरला, 14 मरला, 1 कनाल, 2 कनाल, आप में से जिसको भी चाहिए होगा आप लोग कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा मेरी टीम से, आपको उनकी सारी ब्रीफिंग मिल जाएंगी। जो 5 मरला की मैंने आपके लिए कैलकुलेशंस की हैं वो आप समझेंगे वो क्या है। ये आपको समझ आ गया, आपको पूरा प्रोजेक्ट समझ आ जाएगा, समझ नहीं आप। टोटल 5 मरला की जो प्राइस है वो है 27,95,000 रुपये, यानी कि 27,95,000 इसकी टोटल प्राइस है। अगर आप इन कैश अभी पे कर देते हैं सारे पैसे, तो 20% डिस्काउंट इन लोगों ने ऑफर किया है। ये वो सारी चीज़ें जो इन लोगों ने ऑफर की है, इसके ऊपर बाद में मैं आपको जो है ना थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। 20% डिस्काउंट कैश है कि अगर आप फौरन सारे पैसे भी कैश दे देते हैं, जो कि है 22,40,000 का आपको 5 मरले का प्लॉट मिलेगा। बुकिंग के ऊपर अगर आप आ जाए तो 5,95,000 रुपए की आपको इस टाइम पे बुकिंग मिलेगी, और बाकी 4.5 साल की जो है ना वो इंस्टॉलमेंट्स है, 4.5 साल में आप लोगों ने पैसे पूरे करने। प्रोजेक्टेड रेट इसका जो है वहां पे जो इसका प्रोजेक्टेड रेट, इसको बोलते हैं कि जो रेट आज 5 साल के बाद होगा, जो वहां पे 5 साल के बाद एक्सपेक्टेड रेट्स हैं, वहां की लैंड की वैल्यू देखते हुए, पाकिस्तान में इकोनॉमिकल वैल्यू देखते हुए, हर चीज देखते हुए, वो मैक्सिमम उस टाइम पे आपकी चली जाएगी 12 लाख प्लस हो जाएगी, जो अब रेट है पॉपुलेशन को देखते हुए, हर चीज को देखते हुए। क्योंकि रेट्स को क्या चीज डिस्क्राइब करती है, रेट्स हमेशा आपके एंड यूजर्स डिस्क्राइब करते हैं। जितना आपका एंड यूजर जिस जगह पे ज्यादा होगा, जिस चीज की डिमांड ओरिजिनलिटी में ज्यादा होगी, जिसका यूजेज ज्यादा होगा, उसका रेट ज्यादा जल्दी इंक्रीज होगा। इनकी लोकेशन, क्योंकि इन्होंने थोड़ी सी स्मार्ट लोकेशन रखी है, लोकेशन इनकी अच्छी है, लोकेशन के ऊपर इन लोगों ने ना, मतलब इस तरह की लोकेशन है कि आपको एक इस्लामाबाद की ब्यूटी साइड वहां से नजर आ जाती है। तो हर चीज को मद्देनजर रखते हुए ये एक प्रोजेक्टेड रेट जो है वो ये है कि आपने जितने का प्लॉट लिया आप उसकी 4.5 साल में इंस्टॉलमेंट्स पे करते हैं, 5 साल के बाद वो आपको 12 लाख रुपए प्रॉफिट दे जाएगा। मतलब 28 लाख रुपए का आपका प्लॉट उस टाइम इंस्टॉलमेंट्स दे के आपको पड़ चुका है, तो वो हो जाएगा 40 लाख रुपए का प्लॉट। तो आपने पर ईयर इनकम कितनी की, अच्छा ये वो रेट है जिस रेट के ऊपर उस टाइम पे आपकी सेलिंग हो रही होगी। एक रेट होते हैं जो झूठे रेट होते हैं, फेक रेट्स होते हैं कि आपको ये 2 करोड़ का हो जाएगा, 1.5 करोड़ का हो जाएगा। मार्केट ऊपर, हाउसिंग सोसाइटीज खुद रेट्स ऊपर कर देती हैं कि हमने इस रेट के ऊपर कर दिया तो इसी रेट पे ट्रेडिंग हो, ऐसा होता नहीं है। फाइल माइनस में भी बिक्री होती है क्योंकि बायर नहीं होता। ये कैलकुलेशन हर चीज डालकर की गई है कि ये वो रेट है जिसके ऊपर उस टाइम आपकी फाइल इजिली सेल आउट होगी। ये सिर्फ रेट नहीं है, जो मेरा ग्रुप है, मेरे साथ जो लोग अटैच हैं, उनको ये सब कैलकुलेशंस पता होती है। मैंने कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं, ये कितने परसेंट बनता है, 7% आईवीआर है। आप अगर 28 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं 5 साल के लिए, तो 5 साल के बाद आपको आपके 28 लाख रुपए कितने पैसे दे रहे हैं, 7% आईवीआर। और रिस्क इसमें कितना है, ये 7% आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये 25% रिस्क है मेरी कैलकुलेशंस के मुताबिक। ये 25% रिस्क का मतलब ये है कि 75% चांसेस हैं कि ये सब कुछ जो मैं आपको बता रहा हूँ ये ऐसे का ऐसे होगा। वर्स्ट केस सिनेरियो में रिस्क इसका ऊपर भी जा सकता है, ठीक है। और मेरी तरफ से ये नॉट रिकमेंडेड हाउसिंग सोसाइटी है किन लोगों के लिए, जो के इन्वेस्टर्स हैं, जो ये चाहते हैं कि हम अपना पैसा रोटेट कर लें, रियल स्टेट एक सेफ जगह है, ठीक है, रियल स्टेट के अंदर अपना पैसा डाल के कोई अच्छा प्रोजेक्ट आ रहा है उसके अंदर सेव कर लिया जाए। इन्वेस्टर्स के लिए ये बिल्कुल अच्छा प्रोजेक्ट नहीं है, क्योंकि 7% आपकी कैपिटल एप्रिसिएशन है मेरे मुताबिक,
बाकी जो है ना वो मार्केट में क्या है क्या नहीं है मुझे इस चीज का नहीं पता, मैं अपने से जो है ना मेरा ताल्लुक है और अपनी चीज का ही मैं डिफेंड, मुझे अपनी मेरी कैलकुलेशन से मैं उनके मुताबिक आपको बता रहा हूँ। मार्केट के अंदर जो है ना वो खुद तो आपको 50-50% भी बोलेंगे या कोई कितना बोलेगा आई डोंट नो अबाउट दैट। इधर क्या है कि मेरी रिकमेंडेशंस उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो एज अ इन्वेस्टर 5 या 10 प्लॉट लेते हैं उसके बाद अपने वहां पे प्लॉट्स बनाते हैं, उन लोगों के लिए मेरी रिकमेंडेशंस नहीं है। मेरी रिकमेंडेशंस उन लोगों के लिए है, ये अच्छी जगह किन लोगों के लिए, जो अपना घर फ्यूचर में बनाना चाहते हैं, जिनका इस्लामाबाद में घर नहीं है, जो चाहते हैं कि हम इस्लामाबाद से करीब किसी जगह पे प्लॉट ले लें और कल को हमारा वहां पे घर हो खुद रहने के लिए, उन लोगों के लिए ये अच्छी जगह है क्योंकि आप लोगों को इतनी नज़दीक इतने कम टाइम के अंदर और इतने अरसे के अंदर कोई अच्छी जगह नहीं मिलने वाली क्योंकि ये चक्री से थोड़ी सी नज़दीक है, लोकेशन इनकी अच्छी है, वो कटी पहाड़ी है, कटी पहाड़ी के बिल्कुल साथ जो है ना इनकी लोकेशन है, लोकेशन इन लोगों ने अच्छी दी है। तो उन लोगों को मेरी रिकमेंडेशन है जिन लोगों का घर नहीं है। मगर एक बात आप लोगों ने अगेन याद रखनी है कि इसका जो जंप आएगा वो आएगा 10 से 12 साल के बाद। 10 से 12 साल के बाद ये सोसाइटी इस एरिया की सबसे अच्छी सोसाइटी बन जाएगी क्योंकि इस्लामाबाद के साथ सबसे पहले ये अटैच होगी। चक्री साइड पे जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज आ रही हैं, ये कैपिटल स्मार्ट सिटी, ब्लू वर्ल्ड सिटी जितनी भी है, डिस्कवरी गार्डन्स, नोवा, ये नोवा को छोड़ दें, नोवा तो साइड पे हो जाती है, बाकी जितनी भी हैं उसमें से जो अच्छी एक गेन लेकर आएगी वो गेन लेकर आएगी ये फैसल हिल्स 2। NOC वगैरह और ये प्रोजेक्ट किस तरह का है ये आपको मेरी उस पहले वाली वीडियो में मिल जाएगा, उसका लिंक मैं आपको जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो लिंक वहाँ से ले सकते हैं। उसमें मैंने इसके ऊपर पूरी डिस्कशन की हुई है कि ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, NOC इसकी नहीं है, ये सारा कुछ आप एक एक चीज प्रोजेक्ट की ताकि आपके सामने हो और फिर आपने खुद डिसीजन लेना है। जो मेरे साथ लोग अटैच हैं उन लोगों के लिए एक स्पेशल जो है ना मेरी टीम बना देती है, मैं बना देता हूँ, हम लोग उनके लिए खुद इन्वेस्टमेंट प्लान बना देते हैं कि आपका रिस्क कितने परसेंट कैलकुलेट है, आप इस जगह पे इतनी इन्वेस्टमेंट कर दें, इस जगह पे इतनी, और उसका मतलब ये होता है इन्वेस्टमेंट का कि उनको जब तक रिजल्ट्स ना मिले किसी को, चीज़ आपकी सेल आउट ना हो तो वो इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट नहीं कहलाती। तो हमारा बेसिक फोकस जो है वो इस चीज़ पे है कि जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो जिस टाइम पे सेल करना चाहे उसकी सेल हो, जो प्रॉफिट उसको बताए जा रहे हो वो प्रॉफिट हो। तो 5 मरला का मैंने आप लोगों को फैसल हिल्स का बता दिए कि फैसल हिल्स में क्या क्या है। 27,95,000 का इसका 5 मरले का प्लॉट है और बुकिंग उसकी 5,95,000 की है। 5 साल के बाद आपको जो प्रॉफिट होगा, 5 साल से पहले आप लोगों ने प्रॉफिट एक्सपेक्ट नहीं करना, 5 साल के बाद जो आप लोगों को प्रॉफिट होगा वो 7% जो है ना वो पर ईयर होगा। और ये हर साइज का सेम नहीं है, 8 मरला का, 10 मरला का, 14 मरला का, 1 कनाल का और 2 कनाल है, इन सब के डिफरेंट है। तो आपको जिसका भी चाहिए होगा आप कॉल कर लीजिएगा, ये नंबर नीचे आ रहा है, मेरी टीम को कॉल कर लीजिएगा, वो आपको बता देंगे कि इसका रिस्क कितने परसेंट है और इसका प्रॉफिट जो प्रोजेक्टेड प्रॉफिट है वो कितने परसेंट है। ये दो चीज़ें आपके लिए बड़ी ज़रूरी हैं, ये मैंने सारी कैलकुलेट करके आप लोगों के लिए इसलिए जो है ना वो आप लोगों को बताई हैं ताकि आप लोग अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो आपको हर चीज़ पता हो कि यार हमारे लिए क्या बेहतर है और क्या बेहतर नहीं है। 7% आपको पर ईयर ये 5 साल के बाद आपकी इन्वेस्टमेंट जो है ना वो प्रॉफिट देगी। अच्छी चीज़ इसकी एक ये है कि ये आपने इंस्टॉलमेंट्स में देनी है, ठीक है। इन्वेस्टर्स के लिए मेरी तरफ से नॉट रिकमेंडेड है और जिन्होंने अपने घर बनाने हैं उनके लिए मेरी तरफ से ज़रूर रिकमेंडेड है, उनको मैं ज़रूर कहूँगा कि आप यहाँ पर लें और अपना घर जो है ना यहाँ पर। चैनल जरूर आपने सब्सक्राइब कर लेना है, 1 मिनट लगता है, इसको आपने नहीं भूलना। मुझे इजाजत दें, अल्लाह।